नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। आज की बड़ी खबर, कल नहीं दिखा ईद का चांद, अब जुमे के दिन मनाई जाएगी। जी हां, आपको बता दें कि ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जो कि रमजान का महीना पूरे होने के बाद मनाया जाता है। लेकिन अब मुसलमानों में काफी खुशी का माहौल एक दिन बाद ईद होने से भी बना हुआ है। आइए बताते हैं क्या है पूरा मामला। 12 मई को ईद का चांद दिखना था और 13 मई को ईद मनाने के लिए लोगों में उत्साह बना हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब 13 मई को ईद का चांद दिखने की उम्मीद है, जिसके बाद 14 मई को ईद मनाई जाएगी, जिससे मुसलमानों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। एक तो ईद और फिर ऊपर से जुम्मे का दिन, जो कि मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम दिन होता है। वहीं कोरोना महामारी के इस संकट से बचने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं व प्रशासन की ओर से ईद का त्यौहार घर पर ही रहकर मनाने की अपील लगातार की जा रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें व शेयर करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना भी न भूलें, जिससे आपको समय समय पर हमारी आने वाली खबर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।